हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, सामने ही दिवाली है, उससे पहले दुर्गा पूजा है, तो कैसे आप इंस्टेंट फेयरनेस का फेस पैक आप घर में बना सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है, आप बस रेडी बना के रख देंगे जिस दिन आपको यूज़ करना है। वीकली आप ये पैक को 3 to 4 times यूज़ कीजिए फॉर बेटर रिजल्ट। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये टोटली हर्बल है, सो आपको मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लीच के जैसे इंस्टेंट आपको ग्लो दे देगा, लेकिन हाँ काफ़ी ग्लो देता है और नेचुरल ग्लो देगा। प्लस आपका अगर स्किन में एक्ने हो, रैशेज हो, आपका अगर सेंसिटिव स्किन हो उसके लिए बहुत ही अच्छा, ऑयली स्किन हो, हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट पैक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैंने ये आप देख पा रहे हल्दी का ये मैंने पाउडर बना ली हूँ, ये रेडीमेड नहीं है, आपको मार्केट में इस तरीके का हल्दी मिल जाएगा। तो इसको आप कोई भी हमन दिस्ता हो या किसी में भी आप इसको कूट के पाउडर बना लीजिए। ये नेचुरल हल्दी है तो बेटर है। आप अगर पैकेट वाला हल्दी यूज़ करेंगे वो अच्छा, आपको रिजल्ट आपको लगेगा कि हाँ मुझे बहुत इंस्टेंट अच्छा रिजल्ट दिया, बट वो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल रहता ही है। सो ये आप ट्राई कीजिए करने के लिए, थोड़ा सा लेबर हम लोग दे ही सकते हैं अपने स्किन के लिए। इसके बाद चाहिए ऐसा मुल्तानी मिट्टी का मैंने पाउडर कर लिया है। इसके लिए आप पाउडर्ड मुल्तानी मिट्टी मिल जाता है पैकेट वाला, बट मैं कभी भी वो यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ऐसा रॉ मुल्तानी मिट्टी ख़रीद के लेके आती हूँ। अगर आप वेस्ट बंगाल या दिल्ली में भी रहते हैं तो जहाँ पे पूजा आइटम मिलता है उस जगह में आप वो शॉप में जाइए और बोलिए रॉ मुझे मुल्तानी मिट्टी चाहिए, तो इजीली आपको अवेलेबल है। और ये काफ़ी सस्ता भी होता है पैकेट वाला से, और पैकेट में केमिकल रहता है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, कुछ नहीं होता है, रॉ मुल्तानी मिट्टी है, बस आइए पाउडर कीजिए। तो ये मुझे चाहिए। देन और एक बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट्स है जो मैं हमेशा फेस पैक में थोड़ा सा भी हो, अगर अवेलेबल मेरे पास हो तो मैं यूज़ करती हूँ। और ये आपका स्किन में कोई भी स्पॉट हो, कुछ भी जैसे पिंपल का दाग हो या कुछ एक्ने होता उसका दाग रह गया है, वो भी चले जाने में या उसको क्लीन करने में बहुत हेल्पफुल है। ये है, आप समझ पा रहे ये क्या है? ये है जो शंख होता है ना, हम लोग जो शंख बजाते हैं वो शंख का पाउडर है। ये आपको थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट जिधर आपको शंख का सामान मिलता है, शंख का प्रोडक्ट मिलता है जो शॉप में, आप उधर जाके पता कीजिए। वो लोग जब वो शंख का कटिंग करते एवरीथिंग करते हैं ना, एक पाउडर उससे निकलता है, वो पाउडर ये है। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स है। तो मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे 1.5 teaspoon और थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, हाँ ये नियर अबाउट 2 teaspoon शंख का पाउडर है। इधर मैंने ये जो ऐसा हल्दी 2 मैंने कूट ली हूँ, इसको इसमें डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिला लीजिए। अभी शंख का पाउडर में आप देखेंगे थोड़ा सा ऐसा रहता है होल, बट डोंट वरी, जब आप मिक्स करेंगे पैक बनाएंगे वो टोटली डिजॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उसको निकल के फेंक दीजिए, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है, इसमें काफ़ी टाइम होता है रह जाता है, कुछ प्रोसेस तो नहीं है, केमिकल नहीं है। केमिकल होता या प्रोसेस्ड होता तो आपका नहीं मिलता, टोटली क्लीन क्लियर मिलता, बट रह जाता है। और इसमें मैंने ली हूँ ऐसा दो हल्दी का पाउडर, 2 teaspoon शंख का पाउडर और इसमें है 4 teaspoon मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। तो ऑल इंग्रेडिएंट को मैं इस तरीके से अच्छे से मिक्स। सो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, ये आप देख पा रहे हैं अच्छे तरीके से फुल्ली मिक्स कर लिए हैं मैंने, बट इसका कलर आपको येलो टाइप को उतना नहीं दिखेगा, क्योंकि नेचुरल मैंने हल्दी का यूज़ की हूँ। तो जैसे नॉर्मली हम लोग हल्दी यूज़ करते फुल्ली येलो दिखाते हैं, ब्राइट येलो,
वैसे नहीं दिखेगा बट पैक बनाने के बाद आपको पता चलेगा, तो वो भी मैं दिखा रही हूँ। तो ये मैंने पैक ऐसा पाउडर फॉर्म में बना के एक एयरटाइट कंटेनर में रख दिया है, और इससे मैंने 1 1.5 टीस्पून जितना आपका फेस के लिए चाहिए उतना आप ले लीजिए। आप चाहे तो इसमें आप कर्ड मिला सकते हो, गर्मी का टाइम हो तो कर्ड मिला ये बहुत अच्छा है। आपका स्किन अगर ऑयली हो, जैसे मेरे इधर एक ये जो चीज़ है ये आपको लगेगा पिंपल है या बॉयल है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक्चुअली इन्फेक्शन, मुझे मेरा एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन है, बहुत जल्दी मुझे एलर्जी हो जाता है, रैशेस मेरा आ जाता है, और डॉक्टर ने भी इसलिए मुझे मना किया है कुछ भी डस्टिंग का ऐसा कुछ भी धूल का काम नहीं करने के लिए। एक्सट्रीम सेंसिटिव इसके लिए मुझे ट्रीटमेंट भी बहुत देरों तक करना पड़ा। तो क्या हुआ, धूल से ये डस्ट से मैं कुछ पेड़ों का बहुत काम कर रही थी बीच में, तो उससे क्या हुआ यहाँ पे फेस ओपन था तो रैशेज आ गया, तो इसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं दही या आप चाहे तो रॉ मिल्क मिला सकते हो, बट मैं नहीं मिला रही हूँ। मैं ओनली इसमें जितना आपको वाटर लगेगा स्लोली वाटर डालिए और इसको मिक्स कीजिए, ऐसे देख रहे, बिकॉज ऑफ मुल्तानी मिट्टी ये बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। आप चाहे तो इसमें रोज़ वाटर भी मिला सकते हो, बहुत अच्छा आपको मिलेगा, बट मैं बहुत ही कम मिलाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं मिलाती हूँ, बट एवरीडे मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। जैसा भी है, जितना भी हम लोग बोले ऑर्गेनिक है, कुछ ना कुछ तो प्रिजर्वेटिव उसमें रहता ही है, तो इसलिए मैं वीकली 1 or 2 times मैं वाटर मिलाती हूँ। आप देख रहे थे मैं 1.5 teaspoon ओनली ली थी और कितना ज़्यादा हो गया, और इसमें पानी में धीरे धीरे स्लोली आप मिलाएंगे, एक साथ में ज़्यादा पानी मत मिलाइए, तो बहुत ही पतला सा आपका बन जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ, बहुत ही पतला सा आपका बन जाएगा जो पैक, अच्छा नहीं होगा। और इस तरीके से आप देख रहे हो मेरा पैक रेडी हो गया। मैं क्योंकि इसमें अभी बनाई हूँ मेरा और मेरे हस्बैंड के लिए, दो लोगों के लिए, तो इसलिए मैंने 1.5 teaspoon ली थी। अगर आप अकेले के लिए करना चाहते हैं तो 1 teaspoon इनफ, उससे ज़्यादा आप मत लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं आपका पैक बन के रेडी हो गया इस तरीके से। अभी इसको क्या करना है, आपका ऑल ओवर फेस आप पहले क्लीन कर लीजिए। मैं क्लीन करके आती हूँ फेस, आफ्टर दैट ऑल ओवर नॉर्मली फेस वॉश से आप क्लीन कर सकते हो, अगर आप चाहे तो नहीं भी क्लीन कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये फेस पैक लेना है और ये अंडर आई ये एरिया छोड़ के ये पोर्शन, क्योंकि हम लोग का ये बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड सेंसिटिव एरिया होता है, तो ये एरिया छोड़ के ऑल ओवर फेस में आपको अप्लाई कर लेना है। इस तरीके से, और इससे जो आपका ग्लो आएगा ना, नेचुरल ग्लो आता है। ड्राई होने के लिए, और ये ड्राई होने के बाद हल्का हाथ से रब करके निकाल सकते हैं। और आपके पास अगर टाइम नहीं हो तो आप क्या कीजिए, 2-3 मिनट रखिए, हाथ में पानी लीजिए और हल्के हाथ से स्क्रब करके निकाल दीजिए, उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इसका कुछ हार्म नहीं है, आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बट आप एज अ पैक अगर ड्राई करने के लिए रख देंगे
2 से नियर अबाउट 10 to 15 minutes वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी कभी 20 minutes भी लग जाता है वेदर का ह्यूमिडिटी के हिसाब से, तो आपका फेस का ग्लो आप खुद देख सकते। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं फुल्ली ड्राई हो गया है, तो मैं ये क्लीन करके आती हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कितना टैन रिमूव हो गया, और इधर जो मेरा रैश निकला था ये भी कितना कम हो गया जो डस्ट की वजह से, क्योंकि जो टर्मरिक यूज़ किया है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी टर्मरिक में रहता है, और रॉ टर्मरिक था, नॉर्मली पैकेट वाला टर्मरिक नहीं था, तो उसका हेल्प आप देख पा रहे हैं। स्किन भी कितना टाइट एंड कितना ग्लो लग रहा है। सो इसके बाद आप चाहे तो टोनर या नॉर्मल जो आप मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, स्किन आपका ग्लो हो जाएगा। और ये आप ऑल्टरनेटिव डे भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। सो फ्रेंड्स गुड बाय।